आय बढ़ाने की बात की थी, गन्ने का 14 दिन में भुगतान की बात की थी, बंद चीनी मिलों को चलाने की बात की थी, लागत के सापेक्ष उनके वाजिब दाम देने की बात की थी, कर्ज माफी की बात की थी। उस सरकार का 4 साल में यह आलम है कि अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो प्रतिदिन देश में 28 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहा है। 28 अब तक उत्तर प्रदेश में, जो 2019 का रिकॉर्ड है, 5464 किसान और खेतिहर मजदूर ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड इसमें प्रथम स्थान पर है और सबसे ज्यादा आत्महत्याओं का जो दौर है वह बुंदेलखंड के किसान और खेतिहर मजदूर का जारी है। हर किसान की आमदनी 17% की भारी कमी आई है और उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके ऊपर 1 लाख का कर्जा न हो, यानी 1 लाख प्रति औसत का कर्जदार हर किसान है। यह योगी सरकार के 4 साल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस सरकार ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, विज्ञापन लगा रखे हैं, उस सरकार का आलम यह है, जब मैंने सरकार से सदन में सवाल किया था तो ये प्रमाण इस बात का है, 2016-17 में 39.86 लाख किसान बीमित हुए थे, जिसमें मात्र 9.16 लाख किसानों को इन्होंने फसल बीमा का लाभ दिया है। रबी की फसल में 32.96 लाख में मात्र 2.19, अगर 17 का देखेंगे तो खरीफ के फसल में 25.81 और जिसमें लाभ मिला है 4.1। इतना ही नहीं, अगर आप 2018-19 का देखेंगे तो 29 लाख के सापेक्ष मात्र 39,000 कृषकों को इसका लाभ मिला। ये मैं नहीं बोला, ये सरकार का विधानसभा के पटल पर उसका जवाब कृषि मंत्री का है। एक अगर आप देखें गन्ना किसानों के बकाया का मामला, 8,447 करोड़ रुपया अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। 4 साल में 1 रुपया गन्ने का दाम न बढ़ाना और बंद चीनी मिल चलाने के जो वादे थे उसमें अभी भी तमाम चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, उसको चलाने के सरकार की कोई प्रयास अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। जहां के गन्ना मंत्री हैं, उस गन्ना मंत्री के क्षेत्र में जो शामली है, 533 करोड़ 47 लाख रुपए का बकाया अब तक पड़ा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 4 साल में इस सरकार में घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप देखें DHFL का घोटाला, होमगार्ड के वेतन का घोटाला, पीपी किट का घोटाला, स्वेटर जूता का घोटाला, मोजा का घोटाला, पशुपालन विभाग का घोटाला, स्मार्ट मीटर का घोटाला, लखनऊ विकास प्राधिकरण का घोटाला, बांदा में चारा घोटाला, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत पेयजल और सिविल लाइन में घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला, पंचायती राज विभाग के परफॉर्मेंस ग्रांट का घोटाला, लोक सेवा आयोग के 2000 पेपर का लीक, यमुना एक्सप्रेसवे छात्रवृत्ति और फसल बीमा घोटाला एक सबसे बड़ा प्रमाण इस सरकार का है। जिस सरकार ने 14 लाख
प्रतिवर्ष रोजगार की बात की थी, आज अगर देखा जाए तो 56 लाख के सापेक्ष मात्र 4 लाख रोजगार यह सरकार दे पाई है, 4 लाख। और हालत और आयाम ये है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें तमाम भर्तियों के पेपर आउट होने की शिकायत और तमाम मीडिया के साथियों ने उसको प्रकाशित करने का काम किया। यूपीएससी के पेपर आउट हुए जिसमें 50 से 60 लाख रुपए में डीएम बनाए गए, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह पिछड़े और दलितों के साथ धोखा करने का काम किया इस सरकार ने। इतना ही नहीं, पेपर आउट चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती, कानगो भर्ती या जो वीडियो की भर्ती हुई। बुल्तानी को का